हे गाइस, दिस इज श्रेयस। स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई मसाला भाई। दोस्तों, आज हम लोग ना सूजी की इडली बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल इतनी ज़्यादा सॉफ्ट इडली आप कैसे बना सकते हैं, और साथ ही में हम लोग देखेंगे कि यार, जिसके पास इडली स्टैंड है तो चलो ठीक है, अगर आपके पास इडली स्टैंड नहीं है तो आप कटोरी में भी जुगाड़ करके ये इडलियाँ कैसे बना सकते हैं। पूरी टेक्निक में आपको इसको बताऊंगा, जिससे आप कभी भी इडली बनाना चाहे तो ये फुल जुगाड़ को फॉलो करके बढ़िया सी सॉफ्ट सी ये सूजी की इडली बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इडली हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। दोस्तों, इडली बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 कप सूजी ली है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमें ना नॉर्मल वाली सूजी चाहिए, जो बिल्कुल बारीक वाली आती है ना, उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे ये इडली बनाने में। तो सूजी में हम लोग 1 कप दही डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा दही नहीं लिया, बिल्कुल नॉर्मल सा दही लिया है। फिर इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार, और अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। अब दही में सूजी को अच्छे से मिला के हमें ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि जो हमारा सूजी है वो अच्छे से दही को सोख ले और फूल जाए। इससे क्या, हमारी जो इडली है वो बढ़िया सी सॉफ्ट सी बनेगी। तो अब ना इसको हम लोग ढक के 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और तब तक के लिए मैं आपको तरीके बताता हूँ कि इडली कैसे बनाएंगे। देखो, नॉर्मल तरीका तो हो गया इडली स्टैंड में इडली बनाने का, बट आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कटोरी में इडली बनाने का। फुल जुगाड़ू मेथड है, पूरा जुगाड़ मैं आपको समझाऊंगा कि कटोरी में अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो इडली कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं, हम लोग एक कढ़ाई लेंगे, चौड़ी कढ़ाई लीजिएगा जिसका मुँह थोड़ा सा चौड़ा हो। उसमें नीचे हम लोग पानी डालेंगे। फिर अगर आपके पास एक छन्नी हो इस टाइप की, जो कढ़ाई में ऐसे फिट हो जाए, अगर ये छन्नी फिट भी नहीं होती तो आप नीचे एक स्टैंड रख सकते हैं या फिर एक कटोरी रख सकते हैं, जिसके ऊपर आप ये छन्नी रख दे और फिर कटोरियों को रख के इसमें हम लोग इडली बना सकते हैं। तो ये तो हो गया यार इसी कढ़ाई में एक जुगाड़। अब मानिए आपके पास स्टैंड भी नहीं है, तो एक बहुत ही सिंपल जुगाड़ है जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। एक कटोरी लेस टाइप से और उसको पानी में रखे, और पानी पे कटोरी रखने के बाद अब उसके ऊपर एक प्लेट रखे जो ना कढ़ाई से छोटी हो, साइड से पूरा स्टीम उस पर आ सके, और फिर इस प्लेट के ऊपर ही हम लोग अपनी कटोरियों को रख के इडली स्टीम कर लेंगे। तो ये जुगाड़ू मेथड फॉलो करके अगर आपके इडली स्टैंड नहीं है तो तब भी आप घर पर इडली आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, अब तो ये मैंने आपको तरीका तो समझा दिया, अब हम लोग वापस चलते हैं और अपने इडली को बनाते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने एक कढ़ाई में पानी को स्टीम होने के लिए छोड़ दिया है। अब हम लोग अपने कटोरियों में तेल अच्छे से ब्रश कर लेंगे, ताकि जो हमारी इडली है वो आराम से निकल जाए। तो सारी कटोरियों में तेल को अच्छे से फैला लें, और इडली स्टैंड में अगर आप बना रहे हैं तो इडली स्टैंड में भी अच्छे से तेल को लगा लें। तो हमने तेल अच्छे से लगा लिया है, अब लास्ट में हम लोग अपने बैटर को अच्छे तैयार कर लेते हैं। देखिए, 1/2 घंटा हो गया और हमारा सूजी ने अच्छा खासा दही को सोख लिया है और बढ़िया तरीके से ये फूल गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम लोग फेंट लेंगे, और फेंट के जैसे बिल्कुल जो दाल वाली इडली की कंसिस्टेंसी होती है, सेम वही कंसिस्टेंसी इसकी हमें चाहिए रहेगी। ये देखिए, मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, इस टाइप की हमें इडली की अपनी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया है। जैसे ही इतना ये फिट जाए, लास्ट में इसमें हम लोग 1.5 टीस्पून इनो डालेंगे, और इनो को डाल के सूजी के साथ अच्छे से मिला लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही डायरेक्शन में आपको ये चम्मच से इनो को मिलाना है, नहीं तो जो एयर बबल्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं वो वापस से ख़त्म हो जाएंगे और इनो का फिर कोई असर रह ही नहीं जाएगा। अगर आपके पास इनो नहीं हो तो आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा हम लोग डालेंगे हमारे ये 1.5 कप सूजी के ये बैटर में। तो हमारा बैटर तैयार है, अब इसको हम लोग कटोरियों में डाल के रख लेंगे, और तुरंत इसका हमें पकाना, ध्यान रखिएगा इसको हम लोग ना बहुत देर के लिए रेस्ट नहीं देना है। तो अभी तो बैटर को मैं कटोरियों में और इडली स्टैंड दोनों में डाल के आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों में इडलियाँ कैसी बनेगी। तो ये स्टैंड में भी 1-1 चम्मच हम लोग इडली का अपना बैटर डाल देंगे, और फिर इडली के स्टैंड को बंद करके अब इसको हम लोग स्टीम कर लेंगे। तो आपके पास इडली का स्टीमर हो तो आप उसमें स्टीम करें, नहीं तो इस टाइप से मैंने ये भवानी ली है, इसमें मैंने पानी डाल के ये स्टैंड को रख के ढक के स्टीम कर लिया है।
तो ये हमारा इडली स्टैंड में अब इडली स्टीम हो रही है, और ये हम लोग जाली में अपने कटोरियों में इडली का बैटर डाल के इसको भी स्टीम कर लेंगे। तो बस आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और ये हमारी इडली स्टीम होके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तब इसको ढक के हम लोग अच्छे से स्टीम होने देंगे। दोस्तों 7-8 मिनट में ही हमारी ये इडली अच्छे से स्टीम हो गई है। बस एक चाकू लीजिएगा या फिर टूथपिक, उसको इडली में डालें और चेक कर ले, अगर चाकू में इडली नहीं चिपकी तो मतलब आपकी इडली पक के तैयार है। तो बस इस टाइप से चेक करिए और फिर ये कटोरी को हम लोग निकाल लेंगे। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ना अब कटोरी को हम लोग बस 1 मिनट के लिए थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, ताकि जो इडली है वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप गर्मा गर्म इडली को निकालेंगे ना तो हो सकता है कि वो बीच में से टूट जाए, और निकालते वक्त इडली थोड़ा बहुत कटोरी में या उसके दाने वगैरह ना चिपके रह जाएंगे, तो वो उतना साफ नहीं निकलेगा। तो बस 1 मिनट के लिए इसको हम लोग ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो 1 मिनट ठंडा होने के बाद इसको हम लोग चम्मच की मदद से इस टाइप से हल्का हल्का सा साइड से दबा के इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से इसको हमने निकाल लिया, और कितना बढ़िया टेक्सचर आया है ये हमारी इडली में, और साथ ही साथ ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है हमारी ये इडली। तो ये देखिए कटोरी में भी बनाना इडली को कितना आसान है, और इसी टाइप से इडली स्टैंड पे भी हम लोग इडली को चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। तो सारी इडलियों को चम्मच से निकाल ले और ये हमारी सूजी की इडली बन के तैयार है। अब आप गर्मा गर्म इडली को सांबर चटनी के साथ खाएं, या फिर इसको ना आप टमाटर के साथ डाल के फ्राई करें तो बढ़िया से इडली फ्राई बन जाएगी, नहीं तो आप इसको यार मंचूरियन भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यार मंचूरियन या चिली इडली की रेसिपी जाननी है तो यार नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, तो अगली वीडियो ना मैं उस वाली इडली की भी ज़रूर बनाऊँगा। तो अब आपको बढ़िया से ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली की रेसिपी कैसी लगी नीचे मुझे यार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज हमेशा आपके लिए लाता ही रहूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।